आपका हो जाता है 55 to 56। 56 ग्राम प्रोटीन एक मील में, कैलोरी आपका 900 के आसपास होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए 900 के आसपास होगा ही होगा। उसके साथ साथ गुड फैट जा रहा है, क्योंकि पीनट बटर ले रहा हूँ, उसके साथ साथ ओमेगा 3 वो भी नेचुरली जा रहा है, पीनट बटर से हो गया, ओट्स से हो गया, उसके साथ साथ आपका फाइबर जा रहा है अच्छा खासा, जो आपका लीन मास गेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो गाइस, सब मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा गेनिंग का राज क्या है, और लास्ट 2 महीने में 6 kg मैंने गेन किया लीन मास, और वो आप लोग को दिख पा रहे हो आप लोग, तो कैसे मैंने गेन किया, मेरा डाइट क्या है। तो आज मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ा सा ट्रिक्स है उसके अंदर, कुछ चीज़ मैं अलग से डाल रहा हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिए, आपको हेल्प होगा। और देखिए, जो भी वीडियो मैं डालता हूँ वो जेन्युइन, और मैं जो करता हूँ उसका ही वीडियो मैं डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप लोग ये देख के आप लोग यूज़ करते हो वो चीज़ और आपको कुछ हो जाता है तो मुझे बहुत ख़राब लगेगा। तो इसके लिए जो मैं खुद यूज़ करता हूँ नेचुरली वही चीज़ मैं डालता हूँ वीडियो पे, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। वीडियो को देखिए एंड तक, डाइट को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा डाइट है, आपको गेनिंग में मैसिव हेल्प करेगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आप लोग 2 से 3 महीने के अंदर आपका बॉडी जो है वो चेंज हो जाएगा, और आपका बॉडी में लीन मास मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा, ठीक है, देख लीजिए। गाइस, वेलकम टू माय चैनल फूड फिट लैब, मेरा नाम है अभिजीत, और आज मैं पिंटोला का हाई प्रोटीन पीनट बटर का रिव्यू करूंगा, उसके साथ मैं दिखाऊंगा कि मैं जब ब्रेकफास्ट करता हूँ तो ब्रेकफास्ट में मेरा जो हाई कैलोरी हाई प्रोटीन जो डाइट रहता है वो क्या रहता है, और कैसे मैं तैयार करता हूँ, वो पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। उसके साथ साथ ये ब्रांड का भी रिव्यू मैं कर दूंगा, ये प्रमोशन का कोई वीडियो नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पीनट बटर को यूज कर रहा हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जब सुबह मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो मैं ओट्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें आपका हाई फाइबर रहता है और ये डाइजेस्ट भी प्रॉपरली हो जाता है। तो क्या मैं यहाँ पे 40 ग्राम के आसपास ओट्स लूँगा, तो 2 स्कूप, और यहाँ पे थोड़ा सा ओट्स लेने से आपका बन जाएगा 40 ग्राम। और इसके साथ साथ मैं जो ऐड करूँगा वो है आपका व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट, तो कोई भी व्हे प्रोटीन आप डाल सकते हो आपके पास जो है, तो ये है व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट, 1 स्कूप व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट मैं डाल देता हूँ इसमें, कोई भी फ्लेवर का हो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हे प्रोटीन आपके साथ रहना चाहिए क्योंकि प्रोटीन आपको इससे मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है गेनर, मास गेनर, ये मास गेनर मैं अभी डालूंगा, क्योंकि मैं हाई कैलोरी में जा रहा हूँ, कैलोरी सरप्लस में है, तो ब्रेकफास्ट जो है वो भी कैलोरी ज़्यादा रहना चाहिए, एटलीस्ट मैं प्रेफर करता हूँ 700 से 800 के आसपास जो कैलोरी ब्रेकफास्ट से मुझे मिल जाए, क्योंकि पूरा दिन में मैं ऑफिस में रहता हूँ, खाने का उतना बैलेंस नहीं हो पाता है, उतना मेंटेन नहीं हो पाता है, तो मैं ब्रेकफास्ट में वो काम कर लेता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें 1 स्कूप 50 ग्राम के आसपास एक गेनर, मास गेनर जो है वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। तो आप लोग सोचिए कि ये व्हे प्रोटीन का जो जार है, इसका 1 स्कूप में आपका 25 ग्राम के आसपास व्हे प्रोटीन का प्रोटीन मिल जाएगा, इसका 1 स्कूप में आपको 10 से 12 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा, 25 और 12 पकड़ लिया मैंने, 37। अभी मैं इसमें जो पिंटोला का जो पीनट बटर है ये मैं डालूंगा, उससे पहले मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि ये जो पीनट बटर है, ये पीनट बटर तैयार होता है न्यूजीलैंड से, इंपोर्ट किया जाता है व्हे प्रोटीन कंसेंट्रेट को, उससे ये बनाया जाता है। इसका ईच सर्विंग 32 ग्राम का ये सर्विंग है, जिसमें आपको 11 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट जो है 7.7 ग्राम, फाइबर जो है 2.2 ग्राम, टोटल शुगर जो है 3.8 ग्राम, और ये जो शुगर है टोटल शुगर, ये टेस्ट के लिए सुक्रालोस यूज किया जा रहा है, जो रॉ शुगर है वो यूज नहीं किया जा रहा है। उसके साथ साथ इसमें जो आपका ट्रांस फैट जो है वो एकदम जीरो है, सैचुरेटेड फैट है आपका 1.6 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल है आपका 2.9 ग्राम, सोडियम है 4.8 ग्राम, ये 510 ग्राम का जार है। मैं प्रेफर करता हूँ 1 kg का, पर 1 kg नहीं था उस दिन, इसलिए मैं ये ऑर्डर किया। MRP है आपका 325, और मेरा ऑनलाइन में जो प्राइस पड़ा 250 रुपये के आसपास,
ये प्राइस पर है। तो इसका एक सर्विंग अगर मैं देता हूँ, ये प्लेन है मतलब क्रंची है, पर कोई फ्लेवर वाला नहीं है, मतलब चॉकलेट हो गया ये सब कुछ नहीं है। तो इसका क्या है कि इसको थोड़ा ऐसे घूट लेना पड़ता है, नहीं तो वो पीनट जो है वो नीचे चला जाता है, थोड़ा ऊपर में एक ऑयल जो नेचुरल ऑयल है वो ऊपर आ जाता है। तो मैं इसको घूट लिया और इसका दो स्कूप से बनता है 32 ग्राम्स। तो इससे मुझे मिलेगा हाई फैट, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, मतलब एकदम दो स्कूप से मुझे 10 से 11 ग्राम के आसपास मुझे प्रोटीन मिल रहा है। तो यहाँ पे हो गया मेरा 47, में पकड़ अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चल रहा हूँ 47 के आसपास मेरा प्रोटीन ये मील में हो गया। अभी तक एक चीज मैंने ऐड नहीं किया जो मैं अभी ऐड करने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो ये हो गया मेरा पीनट बटर अंदर चला गया। अभी नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका टोन मिल्क। ये अमूल ताजा जो है ये ब्रांड में यूज करता हूँ टोन मिल्क के लिए। जैसे कि मैं बल्किंग में हूँ तो कैलोरी मेरा ज्यादा ही होगा। इतने मतलब एकदम देखिए लस्सी जैसा एकदम। तो ये मैं डेली ये ब्रेकफास्ट जो है इसको मैं कंज्यूम करता हूँ और इससे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ओट्स तो आप लोग को पता ही है कि ओट्स का बेनिफिट्स क्या क्या है, कि बहुत कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ब्रेन मेमोरी, ओमेगा 3 मिलता है उससे, हाई फाइबर मिलता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाता है, कार्ब्स अच्छा खासा रहता है और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। तो ये बहुत प्रीमियम चीज़ है ओट्स, आप यूज़ कर सकते हो। पीनट बटर मैं यूज़ करता हूँ बल्किंग टाइम में, बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ पीनट बटर, और वो प्रोटीन तो मेरा लाइफ मतलब पूरा साल ही वही प्रोटीन मेरा चलता है, वो चलेगा ही, क्योंकि प्रोटीन का सोर्स कहाँ से मिलेगा, उतना अंडा नहीं खा सकते डेली, उतना अंडा पॉसिबल ही नहीं है ऑफिस में बैठ के खाना। तो ये शेक एक बार पीते, मेरा जो वही प्रोटीन है उसका फ्लेवर है अमेरिकन आइसक्रीम, ये GXN ब्रांड का है। तो अभी जो इसमें से फ्लेवर आ रहा है पूरा एकदम आइसक्रीम जैसा आ रहा है और मिल्क भी थोड़ा चील्ड है तो अच्छा लग रहा है। और ये ब्रेकफास्ट मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि स्टोमक में जाने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा क्लीन, उसके बाद मैं फिर खा सकता हूँ, कोई भी पेट का प्रॉब्लम, कोई भी गैस, कुछ भी नहीं होता, एकदम क्लीन रहता है। और मैं सबको रेफर करता हूँ कि जब भी आप लोग बल्किंग में हो, आप लोग को कैलोरी ज़्यादा चाहिए, तो वे प्रोटीन के साथ अगर दिन में 2 स्कूप मास्केनर ऐड कर सकते हो, कोई बुरा बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, आपको कैलोरी अच्छा मिलेगा बाहर से, जिससे आपका गेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं भी यूज़ करता हूँ कभी कभी। तो अभी मेरा जो गोल था, मैं 80 kg था, मेरा गोल था 86-88 kg में जाने के लिए, तो मुझे एडिशनली ये चाहिए मास्केनर की, ताकि मैं वो गोल को अचीव कर सकूँ। इससे मुझे एक एक स्कूप में 350-700 ग्राम के आसपास कैलोरी मिलेगा दिन में, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। 2 स्कूप अगर मैं देता हूँ तो आराम से मुझे 700-750 कैलोरी आराम से मिल रहा है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कब करना चाहिए और कैसे आपका जो न्यूट्रिशन है उसको सही रखना चाहिए। तो ओवरऑल मेरा अगर मैं पकड़ के चलूँ कि मेरा प्रोटीन का इसमें ये मील में प्रोटीन का मात्रा कितना है, तो ओवरऑल मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि 47 था, और बाकी सारा कुछ से अगर मैं 3-3 करके भी पकड़ता हूँ तो आपका हो जाता है 55-56 ग्राम्स प्रोटीन एक मील में, कैलोरी आपका 900 के आसपास होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए 900 के आसपास होगा ही होगा। उसके साथ साथ गुड फैट जा रहा है क्योंकि पीनट बटर ले रहा हूँ, उसके साथ साथ ओमेगा 3 वो भी नेचुरली जा रहा है, पीनट बटर से हो गया, ओट से हो गया, उसके साथ साथ आपका फाइबर जा रहा है अच्छा खासा, जो आपका लीन मास गेन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा और तब भी आपका गेनिंग जो है वो प्रॉपर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारा जानकारी आप मेरे चैनल से आपको मिलने वाला है और बहुत जेन्युइन आपको मैं वीडियो दूंगा, कोई लुका छुपी नहीं है, जो मैं एग्जैक्टली करता हूँ वही मैं शेयर करता हूँ, कोई वीडियो व्यूज़ लाने के लिए मैं काम नहीं करता हूँ।
मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही वीडियो डालता हूँ, तो वीडियो देखिए अच्छा रहेगा, सीखने को मिलेगा कुछ, जो जो मैंने सीखा वो आप लोग से मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।